नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, दोनों टांगे तोड़ी, मुकदमा दर्ज। गढ़साना के गांव 6 डीडी की घटना, पुलिस ने शांति भंग के अंदेशे में पाबंद कर छोड़ा। सर्व समाज द्वारा आज थाना अधिकारी को ज्ञापन देकर दोषियों को गिरफ्तार करने एवं परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब रुख करते हैं समाचार की ओर। सर्व समाज द्वारा आज थानाधिकारी गढ़साना को प्रार्थना पत्र देकर के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। पुरानी रंजिश को लेकर गुरुवार शाम ग्राम पंचायत 6 डीडी में युवक पर 5-7 युवकों ने घात लगाकर कातिलाना हमला कर दोनों पैर तोड़ दिए। मारपीट में घायल युवक गौरीशंकर पुत्र सुंदरलाल कुमार निवासी गांव 6 डीडी को कस्बे के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घायल के पर्चा बयान के आधार पर 5 नामजद तथा 2-3 अन्य के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया है। वारदात के समय युवक पुलिस थाने से टेम्पो में घर लौट रहा था और हमले में घायल युवक को गढ़साना पुलिस ने शांति भंग के अंदेशे में गिरफ्तार कर गुरुवार ही शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया था। जांच अधिकारी SI कमल गोदारा ने बताया कि गौरीशंकर पुत्र सुंदर लाल कुमार निवासी गांव 6 डीडी ने अस्पताल में पर्चा बयान में बताया कि गुरुवार रात वह नई मंडी गढ़साना से अपने घर गांव 9 डीडी जा रहा था कि रास्ते में गांव 6 डीडी से 9 डीडी और मुड़ते ही वहां पहले से घात लगाकर बैठे रफीक खान, सदिक असलम खान, नसीर खान, ओमी नायक सभी निवासी चक 9 डीडी तथा 2-3 अन्य ने उसका रास्ता रोककर लोहे की राड़ व लाठियों से हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की राड़ से कि आगे नुकीली किले लगा रखी थी, ताबड़तोड़ हमला कर युवक को मरणासन्न हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए। कातिलाना हमले में परिवादी के दोनों टांगों में कई जगह फ्रैक्चर हो गए। FIR में युवक ने बताया कि हमलावरों ने उसे मरा समझकर घटनास्थल से फरार हो गए थे। इस बीच वहां से गुजर रहे राहगीर के सहयोग से टेम्पो चालक ने युवक को लहूलुहान हालत में गढ़साना के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल से ही घायल के परिजनों एवं पुलिस को सूचना दी। मामले में पुलिस ने उक्त 5 नामजद तथा 2-3 अन्य के खिलाफ IPC 308 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि घायल गौरीशंकर तथा हमलावरों के बीच पुरानी रंजिश चल रही है। झगड़े को लेकर पुलिस ने गौरीशंकर को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर गुरुवार को ही पाबंद कर छोड़ा।